पवित्र आकड़ा श्री गुरु नमः। और मैं उठ करके धरती माता को प्रणाम किया करो। माता भूमि, पुत्रो हम पृथ्वीव्याह की पावनी संस्कृति है हमारी। बैठ जाइए सभी सीधे। पूज्य स्वामी आनंद देव जी और पूज्य स्वामी आर्य देव जी भी मंच पर आ जाएंगे। योगाभ्यास हमारी दिव्य सूक्ष्म अतीन्द्रिय जगत जो रियर वर्ल्ड है या डिवाइन वर्ल्ड है उसके साथ हमारी कनेक्टिविटी हो जाती है। और ये लंबा गहरा श्वास भरेंगे। श्वास भरते इसमें दिव्यता का आधान, शुभ का आधान। गॉड इज ब्लेसिंग मी, गॉड इज हेल्पिंग मी, ही इज बेस्टिंग हिज मर्सी ऑन मी, ही इज शोरिंग हिज कंपैशन ऑन मी। प्रभु अपनी करुणा की, अपने आशीषों की वृष्टि कर रहे हैं। मैं भगवान के आशीषों से अभिषिक्त हो रहा हूं, अनुग्रहित हो रहा हूं, उपकृत हो रहा हूं। परमात्मा परम सत्य है, परम आत्मा, आत्मा माने सत्य, परम आत्मा प्रभु परम सत्य है, सनातन सत्य है, शाश्वत सत्य है, नित्य सत्य है। शक्ति की बात की जाए तो सर्वशक्तिमान है, करुणा की बात की जाए तो परम करुणावान है, परम कारुणिक है। ज्ञान की बात की जाए तो सर्वज्ञ है, सर्वसमर्थ है। ऐश्वर्य की बात की जाए तो परम ऐश्वर्य युक्त है, परमेश्वर इसलिए कहते हैं। ऐसे लंबा करो एक रिदम के साथ। जैसे मेरे माथे से पसीना चू रहा है ऐसे पसीना चूना चाहिए। अब मुझे तो ये पसीना निकालने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ी है। थोड़ा ज्यादा बल लगा और किसी में ज्यादा ही जवानी उमड़ रही हो, तुम्हारे तो पूरे शरीर से पसीना बह रहा है। अब ये जो पूरा बल लगाने वाली प्रक्रिया है ना, दिस इज ओनली फॉर यंगस्टर्स एंड दिस इज ओनली फॉर कंप्लीट हेल्दी पर्सन्स।
अब जिनको हार्ट आईबीपी की प्रॉब्लम है, थोड़ा कमर में दर्द है, कमजोर, थोड़ा धीरे कर लेना। इसमें एक और भी तीव्रता से किया जाता है, अब उसके लिए तो अति बल चाहिए और अभ्यास भी अपेक्षित है। उसमें तो अब ऐसा करने के लिए ना एक बार ऐसी जैसे कहते नहीं थके चकना चूर हो जाए, एक बार भी सांस लेने की ताकत नहीं रहती। फिर 100 बार जिसने पार कर लिया, फिर चाहे वो 500 बार करे चाहे 1000 बार करे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बीच में एक अवरोध आता है, करो ऐसा, बहुत जरूरी है। 500 से 1000 बार भस्त्रिका करना ही है। अब ये अलग बात है कि हम योगिक जोगिंग के साथ, सूर्य नमस्कार के साथ, भुजंगासन के साथ करा देते हैं। 100 बार भुजंगासन कराया, 100 बार तो उसी में हो जाते हैं। फिर अलग अलग आसनों के साथ करा देते हैं। गति के साथ कीजिए, मध्यम गति के साथ करने से आप लगातार 5-10 मिनट कर पाते हैं। और ऐसा अभ्यास बनाइए। अब मैं कुछ गहरी बातें कह रहा, करते भी रहो। करो लंबे गहरे श्वास, मध्यम गति के साथ करो। महात्माओं आप भी मध्यम गति के साथ कीजिए। सभी इस बात सहज है। और एक लय के साथ पूरे अंतर्मुखी होकर के, एकाग्र चित्त होकर के करना है। जब हम एकाग्र चित्त होके, प्रसन्न चित्त होकर के, अंतर्मुखी होकर के, आत्मस्थ होकर के, योगस्थ होकर के, योगनिष्ठ होके, आत्मनिष्ठ होकर अंतर्मुखी होकर के करते हैं, तब एक बहुत गहरा तत्व कह रहा, हमारा सूक्ष्म जगत के साथ संपर्क स्थापित हो जाता है। सूक्ष्म जगत, अतींद्रिय जगत, अतींद्रिय ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा, थोड़ा और बोलो तो शाश्वत ऊर्जा के साथ, शाश्वत शक्ति के साथ। साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में बोलो तो रियल वर्ल्ड के साथ हमारा संपर्क स्थापित हो जाता है। ये जो कुछ दिख रहा है पिंड में, ब्रह्मांड में, ये अनित्य जगत है, शाश्वत नहीं है। ये हर पल रूपांतरित हो रहा है, परिवर्तनशील है, सनातन नहीं है, ये रियलिस्टिक वर्ल्ड नहीं है। जितना भी ये विजिबल, दृष्ट, व्यक्त पिंड और ब्रह्मांड है, व्यष्टि समष्टि है, यह सत्य तो है लेकिन क्षणिक सत्य है। जैसे हम अंतर्मुखी होते, एकाग्र चित्त होते, प्रसन्न चित्त होते और उस परम शक्ति के साथ जुड़ते हैं, परम चेतना के साथ जुड़ते हैं, परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, तो हमारा संपर्क रियल वर्ल्ड के साथ, शाश्वत सनातन सत्य के साथ, शाश्वत सनातन शक्ति के साथ हमारा संपर्क स्थापित हो जाता है। और इसीलिए कहा जाता है योग से हमें अतींद्रिय शक्तियां मिलती हैं। क्या मिलती हैं योग से? अतींद्रिय शक्तियां।
जो कार्य किसी दवा से नहीं होता संसार में, वो कार्य योग से हो जाता है। इसके लिए योग को परम औषध कहा है, इसीलिए भगवान नाम को परम औषध कहा है। परमात्मा के नाम को सबसे बड़ी औषध कहा, ये केवल एक भावनात्मक सत्य नहीं है, यह एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक सत्य और तथ्य है। जब योग करें तो कुछ क्षणों के लिए सही पूरी तरह से एकाग्र चित्त होके, अंतर्मुखी होके, प्रसन्न चित्त होकर के, गुणातीत होकर के, भावातीत होकर के, श्रद्धा से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण विश्वास से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण समर्पण के साथ, इसलिए इन्हीं को ध्यान का साधन कहा है। पूर्ण समर्पण, पूर्ण तितिक्षा, पूर्ण अभीप्सा, मुमुक्षत, अलग अलग संदर्भों में इन्हीं को मुक्ति का साधन कहा। मुक्ति का मतलब वो बुरी चीजें, वह ज्ञान, वह श्रद्धा, वह कर्मण्यता, वह प्रमाद, वह आकर्षण, वह प्रलोभन, वह रोग, वह दुख, वह दारिद्र्य, वह नैराश्य, वह कुंठाएं, वह अंधेरे जो जीवन में हमें दुख देते हैं, उनसे हम छूटना चाहते हैं। और वह ज्ञान, वह संवेदना, वह शक्ति, वह सामर्थ्य, वह ऐश्वर्य जिससे हमको और पूरे जगत को सुख मिलता है, जिसको हम पाना चाहते हैं, हम सब अच्छी चीजों से युक्त हो जाएं और बुरी चीजों से मुक्त हो जाएं, यही तो जीवन मुक्ति है, यही तो सहज समाधि, यही तो सहज योग है। अब आप लोग क्या करते हो, दो चार बार श्वास भरते हो और फिर निढाल होकर के बैठ जाओ, बिना प्रचंड पुरुषार्थ की। मैं हमेशा कहता हूं सामान्य पुरुषार्थ से जीवन में तुम दाल रोटी सब्जी खा सकते हो, जिंदा रह सकते हो। प्रचंड पुरुषार्थ के बिना, प्रचंड पराक्रम के बिना, प्रचंड वीर्य, शौर्य, औदार्य, प्रचंड वीरता और विनय, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, इसके लिए मैं शब्द का प्रयोग करता हूं, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा के बिना जीवन में आप विशेष उपलब्धि नहीं कर सकते। किया तुमने पूरा, कुछ ने तो किया और कुछ थोड़ा सा करके बैठ जाते हैं। ऐसे लंबा करने की आदत डाली। नेक्स्ट, अब कमाल भाती हूं मैं, देखो वन सेकेंड वन स्टॉप, दिस इज द सेफ प्रैक्टिस ऑफ कपाल भाती प्राणायाम। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो एक सेकंड में दो बार भी कर सकते हैं, एक मिनट में 60 बार की स्पीड और एक मिनट में 120 बार की स्पीड। ये एक मिनट में 60 बार वाली स्पीड है और ये अत्यंत वेगपूर्वक भस्त्रिका, अत्यंत वेगपूर्वक कपाल भाति।
अत्यंत वेगपूर्वक अनुलोम विलोम करा देते हैं। यह अपवाद है, यह नियम नहीं है, यह सामान्य व्यवस्था नहीं है। सामान्य नियम है एक सेकंड में एक बार करो। और जरा सुन, योग का सारा निष्कर्ष 5-7 मिनट में कह रहा हूं। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयुध्या तस्याम हिरण्यः कोशाः स्वर्गो ज्योतिषावृता। शुद्धौ सि बुद्धौ सि निरंजनौ सि संसार माया परिवर्तिनौ। शुद्धौ बुद्धौ शिवोऽहं सोऽहं अहं ब्रह्मास्मि प्रज्ञानं ब्रह्मायम आत्मा ब्रह्म। इस शरीर को, इंद्रियों को, मन को, अंतःकरण चतुष्टय को, 72,72,10,201 नाड़ियों को, 37 ट्रिलियन सेल्स को, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को, अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में, कोशों को, जागृत स्वप्न सुसुप्ति और तुरी अवस्था को, अपने ये शब्द इसलिए बोल रहा हूं इतने सारे कि आप क्या हो। You are not only a body, you are not only senses, you are not only soul, you are not only mind, you are not only emotions or rohi. बहुत सारी चीजें हैं, एक एक घटक है आपके व्यक्तित्व के। टोटिलिटी में आप क्या हो? टोटिलिटी में आप में पूरा ब्रह्मांड है। मैंने बार बार एक शब्द प्रयोग किया है, वन सेल इक्वल टू वन बॉडी एंड वन बॉडी इक्वल टू वन यूनिवर्स। ये आप है, आपके पिंड में सारा ब्रह्मांड है। आप इस ब्रह्मांड की सूक्ष्म, इस पूरे अस्तित्व का सूक्ष्मतम स्वरूप है। इस सारे ब्रह्मांड को एक छोटे से स्वरूप में समेट दिया जाए तो एक व्यक्ति का निर्माण होता है, और इसमें स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। मूलतः हम सब आत्मा है, वी आर ऑल डिवाइन सोल्स। इसलिए मैन वुमेन का, नर नारी का, स्त्री पुरुष का ये भेद योग में नहीं है। ये जो भेद है, दिस इज नॉट रियलिस्टिक। लय के साथ कीजिए, पूरे अंतर्मुखी होकर के कीजिए। आजकल दो चीजों की बात हो रही है, और ये खाली मैं नहीं कर रहा हूं, पूरे विश्व के जो शीर्ष वैज्ञानिक है, टॉप साइंटिस्ट, दे आर टॉकिंग अबाउट दिस। वन इज साइंटिफिक वर्ल्ड एंड वन इज रियल वर्ल्ड। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, सो वन इज क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल बेस्ड ब्लाइंड रियल एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, वो एक अलग कहानी है। सत्य की खोज की कि मनुष्य कुछ नई चीजों से परिचय करना है, कुछ नए केमिकल्स, नए सॉल्ट्स, नए हार्मोन्स, कुछ नई औषधियां खोजनी है, तो उसके लिए एक क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल साक्ष्य आधारित सत्य की एक पूरी प्रक्रिया है। मैं उसको अपोज नहीं कर रहा हूं। दूसरा है रियल वर्ल्ड एविडेंस, जिन तत्वों के साथ हम हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से जी रहे हैं, उससे बड़ा सत्य और क्या होगा। सो योग इज योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंच महाभूत चिकित्सा, पंचकर्मा, षटकर्मा एंड दिस होल नेचर इज, दिस इज रियल वर्ल्ड एविडेंस।
रियल वर्ल्ड एविडेंस क्या है, हम आपको जरा गौर से सुनो, 5 से 10 मिनट सघन ध्यान कराते हैं और कोई चिंतन नहीं, केवल एक प्रभु का ध्यान। प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं, पागल पतरु किसी से क्या याचना करूं मैं, मोती मुझे मिला जब मानस के मान सर में, कंकर बटोरने की क्यों याचना करूं मैं, प्रभु तू ही तू तू ही। ओम तत्सत हरि, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण ओम नमः, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयम्। हे दयालु हे कृपालु हे रामो का ही चिंतन करो, सबसे छोटा नाम और सारे नाम, सारे मंत्र, सारे शास्त्र, सारे सनातन सत्य ओंकार में सन्निहित है। ओंकार मंद संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। प्रणवो धनुश्रयात्म ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेधव्यं सर्वतन्मयो भवेत्। सर्वे वेदा यत्पदम् आमनन्ति, तपांसि सर्वाणि च यत्वदन्ति, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि। ओम 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 का चिंतन चल रहा है। जैसे मैंने कल आपको चार प्रकार के जप कहा, वाचिक जप, उपांशु जप, मानसिक जप, अजप जप, संकल्प क्या, संकल्प समाधि, भाव समाधि, एक क्षण में बस प्रभु के साथ एकात्म हो। तो आपको नित्य की योगाभ्यास के संदर्भ में बता रहा हूं, 5 to 10 minutes कंप्लीट डेडिकेशन डिवोशन डिटर्मिनेशन एस्पिरेशन भगवत दर्शन की कंप्लीट सरेंडर। जैसे भूखे को अन्न के बिना, प्यासे को जल के, निर्धन को धन के, कुछ दिखाई नहीं, ऐसे उस परम प्रभु में परम प्रीति हो जाए, तो 5-10 मिनट तो ऐसे सघन ध्यान किया करो। नित्य की योगाभ्यास के लिए बता रहा हूं। और फिर 2-2.5 घंटा जो 5 से 7.5 मेरे साथ करते हो, तो सहज ध्यान, सहज समाधि, सहज। और मैं तो चाहता हूं पूरा जीवन ही योग बन जाए। होल लाइफ इज योग, ईच एंड एवरी ब्रेथ इज योग। जब हम सत्व में प्रतिष्ठित होते, क्षिप्त मूड विक्षिप्त अवस्था से, रजोगुण तमोगुण से बाहर निकलो, सत्व में प्रतिष्ठित हो जाओ, तो सहज योग, सहज ध्यान, सहज समाधि में रहोगे। और जो ऐसे रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और भारत का एक सन्यासी अपनी सनातन संस्कृति का योग अध्यात्म का सत्य आपसे कह रहा है, इस पर पूर्ण विश्वास रखना। आप यदि सहज योग में, सहज ध्यान में, सहज समाधि में जीने लग गए, तो जिंदगी में रोग होने का तो प्रश्न ही नहीं। आपको जीवन में कोई दुख और दारिद्र्य नहीं होगा कभी भी। आप पूर्ण सुखी होकर के जियो, ये पूर्ण सुखी होने का मंत्र है। इफ यू वांट कंप्लीट हेल्थ, divine health, divine wealth, divine peace, divine happiness, eternal happiness.
अनलिमिटेड हैप्पीनेस, ये शब्द प्रयोग होता अध्यात्म, शाश्वत शांति, शाश्वत सुख, शाश्वत समृद्धि, सफलता, विजय पाना चाहते हैं, दिस इज द वे। सहज, असहजता का नाम ही अस्वस्थता है। और ये मैं खाली बौद्धिक प्रवचन नहीं दे रहा हूं, दिस इज नॉट ओनली मोटिवेशनल स्पीच, दिस इज रियल साइंस। अब पूरा विश्व मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशंस के ऊपर काम कर रहा है, जो सूक्ष्म संवेदना है हमारी, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, शुक्रिया, सत्य, प्रेम, करुणा। महर्षि पतंजलि तो हजारों साल पहले कह करके चले गए, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाणा, सुख दुख, पुण्य पुण्य, विषाणाम भावना, तश्चित्त प्रसादनम। आपको सदा प्रसन्नता चाहिए, सदा स्वस्थता चाहिए। ये बात गहरी बातें हैं, इनको जरा उतनी ही गहराई से, उतने विश्वास से, उतनी ही प्रामाणिकता से, उतनी गंभीरता से सुनना और जीना। आप यदि पूर्ण संतुष्ट है, अब ये शब्द बड़े गहरे हैं, पूर्ण संतुष्ट है तो पूर्ण स्वस्थ है, पूर्ण संतोष। कहते ना संतोषी सदा सुखी। ये जो योग और अध्यात्म के जो मूल्य हैं, दिस इज नॉट ओनली मॉरल वैल्यूज, दिस इज नॉट ओनली स्पिरिचुअल वैल्यूज, दिस इज नॉट ओनली ह्यूमन वैल्यूज, दिस इज द रियलिस्टिक पार्ट। आप अच्छा प्राणायाम तो करना ही है, करना है, इसको ध्यान के साथ क्यों नहीं करना। अच्छा देखो, मैं आपको 10 तरह के एस्पेक्ट बताता हूं लाइफ के, रियल लाइफ, रियल वर्ल्ड के एग्जांपल दे रहा हूं, ये जो हकीकत है जिंदगी की। मैंने 50 साल जीवन में प्रचंड पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा की, और ये करके मुझे एक क्षण के लिए भी कभी ये नहीं लगा कि मैंने ये क्या किया, बल्कि मुझे लग रहा है कि मुझे 50 साल और इससे भी ज्यादा पुरुषार्थ करना है और पूरे विश्व में सनातन धर्म की, वेद धर्म की, ऋषि धर्म की प्रतिष्ठा करना। और ये करके मुझे बड़ा सुख मिल रहा है और इससे सबको भी सुख मिल रहा है, तो मैं क्यों ना करूं ऐसा। और ये सब करते हुए कोई मन में उच्चाट नहीं है, असंतोष नहीं है, बेचैनी नहीं है, कोई मन में आपाधापी नहीं है, कोई अंतर्द्वंद नहीं है, कोई असंतोष नहीं है, कोई आत्मग्लानी नहीं है। एक शब्द प्रयोग करते हैं लोग ना, जो करते हैं तदकारी चवान तद्वेषी, जो करते हैं उसी के बारे में उल्टा सोचते रहते हैं, ये क्या कर रहा हूं, ये घर, ये बिजनेस, ये व्यापार, ये कारोबार, ये राजनीति, ये धर्म, ये अध्यात्म, ये जप, ये तप, ये हवन, ये मैं क्यों कर रहा हूं, कर भी रहे और करते करते मन में आहुति क्यों दे रहा हूं, मैं योग यज्ञ में जप तप क्यों कर रहा हूं, इसका क्या मतलब है। ऐसा नहीं है, किसी भी चीज को ना ऐसे नहीं सोचना। तो चलो, तो यहां आरोग्य कैसे आपको देते हैं, व्हाट इज द मैकेनिज्म, व्हाट इज द प्रोसेस, हम वी आर प्रोवाइडिंग योर कंप्लीट हेल्थ। ये दावा नहीं है, ये हकीकत है। दावा तो बहुत तरह से लोग करते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक जीवन में बहुत तरह के लोग दावे करते हैं, यह कोई दावेदारी नहीं है। यह पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात करें, आप 5 से 10 मिनट का कंप्लीट मेडिटेशन करना, सघन ध्यान, फिर सहज ध्यान, फिर कम से कम 10 से 20 मिनट का व्यायाम करना। अभी करवाएंगे आपको थोड़ी देर, सूर्य नमस्कार कराएंगे, दंड बैठक कराएंगे, योगिक जोगिंग कराएंगे, और कुछ नहीं हो पाए तो भुजंगासन करवाएंगे। 10-20 मिनट का व्यायाम करना चाहिए, ओनली 10-20 मिनट्स, बाकी जो कुछ गेम्स खेलते स्पोर्ट्स में है, और किसी को शौक
है, 5-5, 10-10 किलोमीटर दौड़े जा रहे हैं, वो एक अलग तरह की दुनिया है। गेम्स आर डिफरेंट थिंग्स। गेम्स कुछ तो दिन भर ही कुश्ती करते हैं, दिन भर दौड़ लगाते रहते हैं, 50-50 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं, एक अलग प्रकार का प्रोफेशन हो सकता है। दिस इज नॉट रियलिस्टिक वर्ल्ड। सुनो, 10-20 मिनट का व्यायाम करो, फिर सुबह सुबह यह आध्यात्मिक कर्तव्य है तुम्हारे, या अपने लिए। लोग कहते हैं ना, मैंने अपनी जिंदगी घर के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, बीबी के लिए, हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, सास ससुर के लिए, अपने परिजनों के लिए, स्वजनों के लिए अपना सारा समय दे दिया। व्हाट इज फॉर मी, मैंने अपने लिए क्या किया? व्हाट आई डिड फॉर माई सेल्फ, मैंने अपने लिए क्या किया? अपने लिए सुबह सुबह कर लो, दिन में समय नहीं मिलेगा। सुबह सुबह योग करो, सुबह सुबह यज्ञ करो, सुबह सुबह ध्यान करो, जप करो, तप करो, सुबह सुबह औषध पान करो, सुबह सुबह मिलो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, नीम, हल्दी, तुलसी, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, एक कॉम्बिनेशन बन। अब देखो, इसमें जिनको कैंसर है उनको तो सारी चीजें, सात चीजें एक साथ लेनी चाहिए, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, नीम, हल्दी, तुलसी, गोधन। पहले भी 3-4 साल चलने लगा है, पहले नहीं चलते थे। और जिनको कोई कष्ट नहीं है तो फिर केवल रोज लो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, एक बालिश की गिलोय, दो आंवला, और जिनको भयंकर कब्ज रहता हो तो 4 आंवला, 2 मिनट के अंदर पेट साफ हो जाता है और कोई नुकसान नहीं होता और आदत भी नहीं पड़ती और 100 साल की लंबी आयु होती है। आंवला एंटी एजिंग, एंटी एजिंग के नाम पर लोग मेरे से बोला, जो मिडिल ईस्ट का एक शेख आया, बोले मुझे जवान कर दो, तो बोले हमने 25 करोड़ रुपए का बजट बताया, तो जो मिडिल मैन था उसको हमने 5 ही करोड़ का दिया था, 20 करोड़ तो वो ही खा गया। और वो जो मिडिल ईस्ट का शेख था उसने ठीक है 25 करोड़ रुपए की दवाई लेके भूल जाते, मुझे जवान रहना। आजकल जवानी भी बाजार में बिकती है, तो आज इसको बोलते हैं स्टेम सेल थेरेपी। 25 करोड़, यहां तो बैठे हुए लोग इतने मूर्ख नहीं है कि 25-25 करोड़ खर्च करेंगे। 25 रुपए तो खर्च कर ही सकते, 25 रुपए भी खर्च नहीं होंगे। 2 या 3 आंवले कितने रुपए के आ जाएंगे? 2 रुपए का भी एक आंवला हो, 10 रुपए, 1 गिलोय की डंडी कितने खरीद के भी लाओ तो अपने घर में लगा लो, नहीं गिलोय। एलोवेरा का छोटा सा पत्ता 25 रुपए का भी सामान नहीं है। एक तरफ तो 25 करोड़ रुपए की स्टेम सेल थेरेपी है और एक तरफ मैं कहता हूं थोड़ी सेविंग करो और अपने लिए थोड़ा खर्च किया करो। हम किस में खर्च करते हैं? ब्रांडेड घड़ी में, ब्रांडेड मोबाइल में, ब्रांडेड गाड़ी में, ब्रांडेड जूते चप्पल, जूते खाते रहो फिर जिंदगी जूते ही पड़ेंगे, फिर तुम्हें किसके जूते पड़ेंगे? बीमारियों के पड़ेंगे। ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड शर्ट, ब्रांडेड वॉच, ब्रांडेड मोबाइल, ब्रांडेड घड़ी, ब्रांडेड फर्नीचर, सब कुछ आजकल तो ब्रांड्स का ऐसा पूरा, ये है विलासितापूर्ण जीवन। आप यदि अपने लिए 100 रुपए भी खर्च करते हो ना, ओनली 100 रुपीज, इतना तो सब खर्च कर सकते हैं। If you are spending for yourself only 100 rupees daily, so you can live 100 years life, healthy life.
विदाउट एनी डिजीज, कोई डिस्ट्रैक्शन के बिना, कोई अवरोध के बिना, कोई रोग के बिना। कपालभाति करो, थोड़ा लंबा करने की आदत डालो और ध्यान पूर्वक करो। अभी व्यायाम पूर्वक, आसन पूर्वक थोड़ी देर बाद में कराएंगे। आज मैंने कुछ आपको स्पेशल पैकेज देने की बात की है। 100 रुपए रोज खर्च करने हैं आपको। सुबह सुबह भजन किया करो, ये जीवनीय तत्व है, एंटी एजिंग एलिमेंट से ही है। जीवनीय तत्व, भजन करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो। और सुबह सुबह मैं सबका करवा देता हूं। मैं सुबह 5 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक जो दुनिया को देता हूं, यदि उसका कोई इकोनॉमिक वैल्यूएशन करे तो मैं लाखों करोड़ों की दौलत सुबह सुबह बांटता हूं। दिस इज रियल वर्ल्ड। ये हमारी शाश्वत संपत्ति है, ये रियल वेल्थ है, रियल वेल्थ है, रियल हेल्थ है, जो सुबह 5 से 7:30 तक आपको हम देते हैं। ध्यान करो, भजन करो, आसन करो, प्राणायाम करो, हवन करो। इधर उधर पैसा फूकते हो, थोड़ा हवन में फूको। तुम फूकना ही कहते हो तो भी, इधर उधर भी तो फूकते हो तुम। हवन नहीं करेंगे, इधर उधर पैसा फूकेंगे। तो इधर उधर पैसा फूकना बंद करो, मितव्ययी बनो। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, मैं किसी भी ढोंग पाखंड आडंबर में, किसी भी दिखावे में पैसा नहीं फूकता। लेकिन जहां पैसा खर्च करना चाहिए, हवन में सुबह सुबह लाख रुपए खर्च करते हैं। पूरे पतंजलि परिवार में, हरिद्वार से लेकर के पूरे देश में जो पतंजलि के कार्यकर्ता हैं, वो लाखों करोड़ रुपए का तो सुबह हवन करते हैं। ये है, पैसा खर्च करने की सही जगह। सुबह सुबह उठ करके वेदवाणी सुना करो, गुरुवाणी सुना करो, भगवान बुद्ध भगवान महावीर की वाणी सुना करो, गुरुओं की वाणी सुना करो। सुबह सुबह उठ करके थोड़ा, जब तक परिवार के तामसिक और राजसिक लोग नहीं जग जाएं, घर घर में भी देवासुर संग्राम है। कुछ ऐसे राक्षस होते हैं घरों में, माफ करना, जो योग करने वालों को ऐसे घुर्रा करके देखते हैं, क्या बकवास कर रहे हो सुबह सुबह। उनके उठने से पहले कर लेते जिनको करना होता है, उससे पहले अपने मौन रहा करो। उस घरों में भी तामसिक प्रवृत्ति के, राजसिक प्रवृत्ति के, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनकी नजरों से बच करके योग कर लिया करो, यज्ञ कर लिया करो, ध्यान भजन कर लिया करो। हिरण्यकश्यप आज मरा नहीं है, प्रहलाद का बाप आप आज भी जिंदा है घर घर में। चलो अनुलोम विलोम करो, फिर दिन में मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड। अपनी मनमानी तुमने बहुत दिन की, मेरी मान लो 1 से 2 महीना मेरी मान लेना, तुम्हें कोई रोग नहीं रहेगा। बीपी, शुगर, थायराइड, ये कोई बीमारी है? दिस इज द ओनली लाइफस्टाइल डिजीज। लाइफस्टाइल अच्छा कर लो। ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये अस्थमा, ये अर्थराइटिस, ये बात अभी तक अफदोष बीमारी तो रियल बीमारियां हैं, वो हैं लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, लंग फेलियर, ब्रेन फेलियर, और इसको भी हम ठीक कर देते तो फिर क्या मतलब हुआ। चलो अनुलोम विलोम, अब लगातार करो। अब इसी की बात करता हूं, 2 महीना मेरी पूरी बात मानी है। और जिनको बड़ी बीमारी है, 1-2 सप्ताह पूरी थेरापी ले लेना। 1 से 2 माह मैं आपसे मांग रहा हूं,
और जिनको छोटी बीमारी है एक दो सप्ताह, 1 or 2 weeks और 1 or 2 months ओनली, ये मुझे दे दो। आपने अपनी मनमानी बहुत करके देखी है, थोड़ी देर गुरु की मान लो, भगवान की मान लो, अपने बड़ों की मान लो। और जिनको ज्यादा बड़ी बीमारी है तो 1 to 2 weeks यहाँ सारी थेरेपी ले लो, इससे पूरा शुद्धिकरण हो जाएगा, सशक्तिकरण हो जाएगा। मुझे जेतले साहब याद आ रहे हैं, मेरे से कहने लगे स्वामी जी अब देश बदल रहा है। मैंने कहा कैसे? बोले पहले न्यू ईयर पर लोग दारू पीने के लिए, मटगस्ती करने के लिए, चार चीजें बड़ी खतरनाक, ईगो, इग्नोरेंस, ग्रीड और ये विलासिता। ये मार रहा है, पहचान नहीं पा रहा विलासिता को क्या बोले, यही दारू का मालिक, नशीबाजी, ड्रग्स। और फिर अब वो कहा जाने की कोशिश की, मैंने एक बेहोशी है पागलों की तरह। अब न्यू ईयर पर अब पतंजलि वेलनेस में जगह नहीं है, न्यू ईयर पर अब योग ग्राम निरामयम में जगह नहीं है। अपना अभिनंदन कीजिए, आप एक अच्छी सोच से जुड़े, अच्छे विचार से, अच्छे भाव से, अच्छी संवेदनाओं से जुड़े, सात्विक चेतना से जुड़े। पहले न्यू ईयर पर भाग रहे लोग कहां, ऐसे ही बस न्यू ईयर पर कुछ फायर फाइटिंग देखना है। अरे फायर फाइटिंग, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन। एक कल डॉक्टर ने एक बहुत अच्छी बात की, लाइट पोल्यूशन, प्रकाश का भी प्रदूषण है। जब भगवान ने अंधेरा कायम कर दिया तो भगवान से ज्यादा समझदार हो गया तुम, जितना चाहिए उतना सब। फिर चांद से थोड़ी शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में उतना भी कर देता है, एक व्यवस्था है, उसका आदर करो। ये तो अब यूरोप में स्ट्रीट लाइट अभी बंद करनी शुरू की है यूक्रेन और रसिया के युद्ध के चक्कर में, चारों तरफ चकाचौंध दिखनी चाहिए, जलवासा दिखना चाहिए। चलो अनुलोम विलोम करो, इसलिए जब मेडिटेशन करा देते हैं, कराते हैं तो लाइट भी बंद करवा देते हैं। करो अनुलोम विलोम करो, देश बदल रहा है, आओ हम भी बदले, दुनिया बदल रही है, सही रास्ते पर चल रही है, बहुत मनमानी करके देख रही है। सुबह से शाम तक अपनी दिनचर्या, अपना एक हेल्थ डायरी मेंटेन करो, मैंने भी की हुई है। सुबह नाश्ते में क्या लेना है, दोपहर को खाने में क्या लेना है, शाम को क्या लेना है, और जो 50 साल से पार चले गए मेरी तरह से, वो 2 बार ही खाया करो, और खाने पीने की चीजें तय कर लो। 7 days का उसमें एक विविधता होनी चाहिए, एक मेन्यू बना लो, और इस मेन्यू में स्वाद और सेहत दोनों का ख्याल रखो, केवल स्वाद के चक्कर में मत पड़ो। कुछ केवल सेहत के चक्कर में पता नहीं उल्टा पुल्टा ही खाना ज्यादा शुरू कर देते हैं, एकदम नीरस भोजन, ऐसा भी नहीं, जीवन के अंदर बैलेंस बना के रखो। छोटे छोटे करेक्शन कर लो,
सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, ऐसे करना चाहिए। देखो कुछ तो ऐसे कर, ये नाटकबाजी ये ठीक नहीं, सही से करो। जब करना उसको तरीके से करो ना, पूरा लेना पूरा छोड़ना। विधि पूर्वक करो, रीति पूर्वक, नीति पूर्वक, प्रीति पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक, दिव्यता पूर्वक, दैवी संबंध के साथ करो। अवयम सत्व संसुद्धिर ज्ञान योग अवस्थिति ही दानम धमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्याग शांति अपैशुनम दया भूति शलोलुप्तम मार्दवम क्षीरचापलम तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहणातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। पूरी दिव्यता के साथ, शरणागति के साथ, तेरी शरणागति पाकर ही हमको जीना आया है। प्यार तेरा पाकर गुरुवर क्या हमने नहीं पाया, प्रेम पाकर तेरा गुरुवर, प्रेम पाकर तेरा प्रभुवर क्या नहीं मैंने पाया। एक कृतकृत्यता का भाव, एक अधन्यता का भाव, कृतज्ञता का भाव, ऐसे ना शरणागति के साथ योग करना चाहिए। योग का सबसे बड़ा तत्व है शरणागति, जो हम आपको सुबह सुबह देते, जिससे जोड़ते हैं। देखो सब करो, अब कोई भी ना बीच में रुकेगा नहीं, रुकना मना है। जरा पूरे एकाग्र चित्त होकर, मैंने कहा ना 5-10 मिनट का तो सघन ध्यान किया, फिर सहज ध्यान, सहज योग, सहज कर्म, सहज भक्ति, अनुलोम विलोम, आंखें बंद करके अंतर्मुखी होकर के, इसको भक्ति योग भी कहते हैं। श्रवणम कीर्तनम संस्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। गुरु भगवान की शरणागति ऐसी कि बस उसमें पूरे खो गए, एक आत्म हो गए, तन्मय तद्रूप एक रूप हो गए। शरणागति पाक ही मुझको जीना आया है, तेरी शरणागति पाक ही मुझको जीना आया है, प्रेम पाक तेरा गुरुवर, प्रेम पाकर तेरा ऋषिवर क्या नहीं मैंने पाया है, तेरी शरणागति पाकर ही मुझको जीना आया है, तेरी शरणागति मुझको जीना आया है।
पुलकित मन मेरा गुरुवर तेरे आने से हर्षित है। ये पुलकित मन मेरा गुरुवर तेरे आने से हर्षित है। तेरी सेवा समर्पण में मेरा ये चित्त अर्पित है। मेरे सर पर सदा तेरे, मेरे सर पर सदा तेरे स्नेह की दिव्य छाया है। प्रेम पाकर तेरा गुरुवर, प्रेम पाकर तेरा गुरुवर, क्या नहीं मैंने पाया है। तेरी शरणागति पाकर ही मुझको जीना के जितना भी सुनूं तुमको जी नहीं मेरा भरता है। के जितना भी सुनूं तुमको जी नहीं मेरा भरता। प्रति पल में तेरा सुमिरन मेरा प्रेम, मानस में तेरी करुणा से जागा है। प्रेम पाकर तेरा गुरुवर, प्रेम पाकर तेरा गुरुवर, क्या नहीं मैंने पाया है। तेरी शरणागति पाकर ही मुझको जीना आया है। तेरी शरणागति पाकर ही मुझको जीना आया है। शुद्ध भावों से मुझे तुमने निहारा है। सुमन के शुद्ध भावों से मुझे तुमने निहारा है। कभी जो डगमगाई तेरा शिव, क्या नहीं मैं
ही पाकर ही मुझे जीना आया है, तेरी शरणागति पाकर ही मुझको जीना आया है, ही मुझको लंबा लंबा सांस चल रहा है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे भक्ति पूर्वक योग ऊपर ऊपर से योग में, ये खाली सांसों का व्यायाम नहीं है, ये बहुत बड़ा अनुष्ठान है, ये बहुत बड़ा तप है। प्राणायाम परमम तप, प्राणायाम परम तप। सांसों के साथ चाहे भस्त्रिका कर रहे हैं, चाहे चाहे अनुलोम विलोम कर रहे हैं, भ्रामरी उद्गीत कर रहे हैं, भक्ति पूर्ण हृदय से एक अनुष्ठान की तरह, और जब संबंध जो कुछ तुम देख रहे हो अपनी आंखों से, ये दृश्य जगत, ये भगवान का विश्वमय रूप है, और इसके पीछे वो विश्वातीत गुणातीत भावातीत परात परब्रह्म है, और उसके साथ कनेक्टिविटी, ये योग का बड़ा ध्येय है। योग शुरू होता है नाम रूपों से, स्वरूप से, संबंध से, और योग पूर्ण होता है अनाम में, अरूप में, अनंत में। तो चलो ऐसे तुम भस्त्रिका भी पूरा कर लेते हो, कपालभाति भी कर लेते हो, बाह्य उज्जाई भी अभी कराएंगे, अनुलोम विलोम कम करते हो, इसको ज्यादा करना है, ये बहुत जरूरी है। 37 ट्रिलियन सेल्स को एनर्जाइज करने का। देखो हर एक सेल में डिजनेशन हो रहा है, उसके डीएनए में डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, किससे, उसके हजारों कारण है, चिंता से, तनाव से, चुनौतियों से, संघर्षों से, संकटों से, समस्याओं से, थोड़ा कुछ आहार में गड़बड़ हो गया, कुछ विचार में गड़बड़ हो गया, आहार से हम सबसे बुरा असर पड़ता है हमारे डीएनए में डिस्ट्रक्शन होता है, उसमें कैंसर पैदा हो जाता है। आपको सबसे छोटी इकाई को देखना, अनुलोम विलोम करो मन ही मन, ओ ये डीएनए का रिपेयरिंग प्रोसेस चल रहा है योग और ये यज्ञ। जब आप सुबह सुबह हवन करते हो, आप पूरा यज्ञ कर सको मेरी तरह से, तो बहुत अच्छी बात है। आप को वातेष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि, हृदयेष्टि, अलग अलग प्रकार की ये हवन सामग्रियां उपलब्ध कराते हैं। आप ये अलग अलग प्रकार की हवन सामग्री से ऐसे ही हवन करना, गूगल ये सब के लिए कॉमन जो सामग्री, गूगल और दिव्येष्टि, बाकी वातेष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि, हृदयेष्टि, मधुष्टि, मेधाष्टि, कर्कटेष्टि कैंसर के लिए, चर्मेष्टि चर्म रोगों के लिए, संततिष्टि निसंतानों के लिए, हर तरह के रोग के लिए अलग अलग औषधि हमने बनाई है। अब लोगों को इतनी समझ ही नहीं है, हम लोगों के लिए अच्छा करते करते रात दिन पुरुषार्थ कर, लेकिन लोगों को समझ ही नहीं, हम लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, और लोग करे कि ये क्यों कर रहे हो। आप
यदि पूरा हवन कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दीप यज्ञ कर लेना। अब इस दीप यज्ञ से क्या होगा, करो। इस दीप यज्ञ से यह होगा कि यह औषधीय धूम्र तुम्हारे भीतर जाएगा, ये जीव ऊर्जा, ये जो यज्ञीय ऊर्जा है ना, ये आपके भीतर जाएगी, योग की ऊर्जा, यज्ञ की ऊर्जा, ये दिव्य ऊर्जा के स्रोत, सत्संग की, स्वाध्याय की, भजन की, कीर्तन की, दिव्य संकल्प की, सात्विकता की, गुरु भगवान की शरणागति की, दान की, पुण्य की, शील की, ये जो दिव्य ऊर्जाएं पैदा होती है, इससे क्या होगा, इससे तुम्हारे डीएनए में जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है उससे बच जाओगे, आपको कैंसर नहीं होगा, आपके डीएनए में डिजनरेशन नहीं होगा। डीएनए हर एक सेल का एक डीएनए है, पेन की आज में डिजनरेशन नहीं होगा तो डायबिटीज नहीं होगी, लीवर में डिजनरेशन नहीं होगा तो फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस और लीवर फेलियर की प्रॉब्लम नहीं होगी, किडनी में डिजनरेशन नहीं होगा तो किडनी की प्रॉब्लम्स नहीं होगी, या इंटेस्टाइन में डिजनरेशन होगा नहीं होगा तो कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, पांस, फिसार, फिस्टुला, गैस, कब्ज, एसिडिटी और तमाम तरह के पाचन तंत्र के रोग क्यों होते हैं, क्योंकि तुम्हारी आंतें ठीक नहीं है, आंतें कमजोर हो गई, कमजोरी का नाम ही बीमारी है। तुम्हारी स्किन में डिजनरेशन हो रहा है तो सोराइसिस, एक्जिमा, ये दाद, खाज, खुजली और फिर सफेद दाग, कुछ तो भयभीत रहते, भयक्रांत रहते, मुझे सफेद दाग ना हो जाए, आजकल तो किसी को भी हो रहा है, मुझे सोराइसिस, एक्जिमा ना हो जाए, अरे कुछ नहीं होगा, तू योग कर, मुझे हड्डियों की बीमारी ना हो जाए, जिसको देखो उसी को हड्डियां गल रही हैं, अंदर से गल सड़ रही हैं हड्डियां, ये आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, एएनए, एवीएन, एचआरबी27, हड्डियों के साथ मांसपेशियां, मांसपेशियों के साथ नस नाड़ियां भी सम्मिलित होगी, तो जो कोई आवे अर्ज लगावे, जो कोई आवे अर्ज लगावे, जो कोई आवे अर्ज लगावे, हाँ सबकी। नाम का ओंकार का आश, मध्यम मार्ग से चलो तो बहुत फास्ट है, तो जवानों के लिए करो सब, देखता हूं कितना करोगे, मैं करा रहा हूं ध्यान और ये उसी से उल्टी पुल्टी चीजें कर रहा है, अब करके दिखा, देखता हूं कितना करेगा। आदमी जिस समय जो करना चाहिए वो करता नहीं, पढ़ाई करते समय पढ़ाई नहीं करते, बिजनेस में, घर में, परिवार में, घर में रहेंगे तो पत्नी से बात नहीं करेंगे, ऑफिस में जाके कहेंगे माय डार्लिंग आपकी बहुत याद आ रही है, घर में था तब क्या कर रहा था, जब घर में था तब ऑफिस की याद आ रही थी, जब ऑफिस में गया तो घर की याद आ रही है, जब पढ़ाई का काम था उस समय पढ़ा नहीं फिर उल्टा पुल्टा काम करता रहा, और जब हकीकत से सामना हुआ जिंदगी में, अरे तू डॉक्टर बन गया, तेरे को कुछ आता जाता है नहीं, 90% लोग पढ़ते समय पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, 90% लोग काम करते समय काम में ध्यान नहीं देते, 90% लोग खाना खाते समय खाने में ध्यान नहीं होता, और भी कुछ सोच रहे होते हैं और पागलों की तरह खा रहे होते हैं, मजा आ गया मजा आ गया। 99% लोग जल्दी जल्दी खाते हैं, ऐसे खाते हैं जैसे घर में भी चोरी का माल खा रहे हो, 5 मिनट में सारा 5 किलो राशन खा जाते हैं। शाम मैंने 2 घंटे लगा करके बनाया, 10-15 मिनट में तो खा लो आराम से। आदमी उल्टा पुल्टा काम करता है सब, तो इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा डांट रहा हूं, जरा समझ जाओ, बहुत दुख पाओगे। अति बलवाना राम नाम जपियो रे, राम नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे, हाँ वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, अति
अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे दो तीन राउंड पांच दस राउंड कर लेना जो मोटे मोटे ठाड़े ठाड़े हैं एक एक हजार बार करना है कितनी बार 1000 भाई साहब आपके लिए लाल सीटर वाले अब ये कर लो पांच से दस अभ्यास बताते ना मोटापा के लिए सत सहस्र साधना पूरा करो बैठ करके उल्टे लेट करके फिर भुजंगासन सर्वासन सीधे लेट के अर्धलासन पाद वृत्तासन द्विचक्रिकासन फिर जिनको डायबिटीज है मुंडू का आसन कराएंगे उनको भी लीवर किडनी की प्रॉब्लम है पाचन तंत्र की समस्या अपना अपना अभ्यास पर आप करो पूरा कोई आवे अरज लगावे जो कोई आवे अरज लगावे हाँ सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे हाँ सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे बार हो जाए करो ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ सब संकट हरियो रे सब संकट हरियो रे और राम नाम जपियो रे संकट हरियो रे राम नाम जपियो रे वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम जपियो रे राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे
नहीं कोई रे तेरे बिना राम हो। हमारी प्रभु मर्जी तुम्हारी हो, अर्जी तुम्हारी प्रभु मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी प्रभु मर्जी तुम्हारी, हाँ कृपा करियो रे, कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे, हाँ कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे, हाँ वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम जपियो रे हरि मन बसियो रे, राम नाम जपियो रे हरि मन बसियो रे, राम नाम जपियो रे हरि मन बसियो रे, तुमने भी किया पूरा, कुछ ने तो पूरा किया, कुछ तो थोड़ी देर में धराशायी हो गए, और मन ही मन करे बाबा लगे रहो, अरे बाबा तो लगा हुआ है, बाबू तू लग, चलो अपना अपना अभ्यास ऐसे पूरी मजबूती से करो, चलो थोड़ी देर मकरासन कर लो, अब जिनको मोटापा है ना, अब उस इसके बाद क्या करना, सीधे लेट जाना, सीधे लेटो महात्मा आनंद देव जी, अर्धहलासन पाद वृत्तासन द्विचक्रिकासन, एक अभ्यास 100 बार से लेके 1000 बार करना है, क्या बोला, 100 बार से 1000 बार, बोल तो लो, मुंह पे ताले लगे हुए हैं क्या, 100 बार से जोर से बोलो 1000 बार शत सहस्र साधना, क्या बोला, शत सहस्र साधना, 100 बार से लेके 1000 बार तक करो, और फिर कोई मोटा रह जाए तो मुझ पर FIR करवा दियो, बोल बाबा इतनी मेहनत कर लेते तो आपके पास आने की जरूरत ही ना पड़ती, मैं यही तो चाहता हूं मेरे पास आने की जरूरत ना पड़े, तुम आत्मनिर्भर बनो, स्वावलंबी बनो, तो अर्धलासन पाद वृत्तासन द्विचक्रिकासन करो, जो मोटे मोटे हैं लेटो सीधे, सब नई चीज रहती पूरी, और जिनको कमर में दर्द है वो मरकटासन करियो, मेरे साथ में पूज्य स्वामी आर्य देव जी है जो आपको रोज योग करवा रहे हैं, मरकटासन करियो, ये लाइव में नहीं आएगा, मरकटासन कर लो, 9 बजे के बाद रिलैक्स हो जाओगे, थोड़ा थोड़ा तो सभी कर लो, जो ओबीसीटी के लिए भी करते हैं ना, अर्धलासन पाद वृत्तासन द्विचक्रिकासन 100, 200, 500, 1000 बार धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना, वो भी कर लेना, थोड़ा थोड़ा तो सब कर लो, और जिनको पूरा करना है ना, तो मैंने शब्द प्रयोग किया पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, बोलो पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, ये शब्द याद रखना, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, जब तप की पराकाष्ठा, योग ध्यान की पराकाष्ठा, सत्य की पराकाष्ठा, सात्विकता की पराकाष्ठा हो जीवन में, योग भक्ति की, प्रभु भक्ति की, राष्ट्र भक्ति की पराकाष्ठा,
मरकटासन। आराम आराम से कर लियो, ये बहुत जबरदस्त है। तो मेरे दंड के अभ्यास पूज्य स्वामी आर्य देव जी को देख करके करना, ये तो मैं थोड़ा सिंबोलिक कर रहा हूँ। थोड़ा सा भी करने पर ना, हमें अपना भी तो शरीर ठीक करना है, अपने बॉडी की सेटिंग सुबह सुबह हम ठीक कर लेते हैं ऐसे ही योग करके। आपको योग सिखाना तो बहाना है, हमको भी तो अपने जीवन को सही दिशा में चलाना है, अपना स्वास्थ्य भी तो अच्छा रखना है। वो लोग जो केवल ये सोचते हैं स्वामी रामदेव तो सबको योग सिखा रहा है, सबको योग सिखाना ये सेकेंडरी बात है।